आदि शक्ति आज भी करती है अग्नि स्नान। इडाणा धाम में प्रचंड ज्वाला का अद्भुत रहस्य। देवी धाम में क्या है राख की पहेली? नासा का विज्ञान कसार देवी धाम में क्यों है फेल? आदि शक्ति के अलौकिक चमत्कार की पहेली। चिंगारी और सब कुछ स्वाहा। जिसे लोग कहते हैं देवी का अग्नि स्नान। वो एक रहस्य जो है अनसुलझी पहेली। इसी पहेली का नाम है चमत्कार। जहां सब कुछ जल जाता है, बचती है तो एक चुनरी और माता की प्रतिमा। आदि शक्ति का वो अवतार जो आज भी अग्नि स्नान करता है, भक्तों को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन देता है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर देवी के इसी चमत्कार के साक्षात दर्शन होते हैं। लोग कहते हैं जिसने ये चमत्कार देख लिया, समझो उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। उदयपुर जिले के बंबोरा गांव में आदि शक्ति का ये तीर्थ है, जिसे शक्ति पीठ इडाणा माता के धाम के तौर पर जाना जाता है। इडाणा देवी को मेवल की महारानी के तौर पर भी जाना जाता है। मान्यता है देवी इडाणा मंदिर में साक्षात ज्वाला के स्वरूप में विराजमान रहती है। माता रानी का अग्नि स्नान और अग्नि श्रृंगार माता रानी को बेहद प्रिय है, लिहाजा अचानक आसमान में एक बिजली कड़कती है। जो श्रृंगार माता रानी और दरबार का किया जाता है, वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। माता रानी के अग्नि स्नान की वजह से ही दरबार में किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है, बस दरबार की सामान्य सजावट है। कहते हैं नवरात्र में एक दिन ऐसा होता है जब माता रानी अग्नि स्नान करती है। ये कोई नहीं जानता वो दिन कब हो, क्योंकि दिन और वक्त खुद इडाणा माता ही तय करती है। ये अग्नि अपने आप शांत भी हो जाती है। इस आग में सब कुछ जल जाता है, कुछ बचता है तो वो है माता रानी की चुनरी और माता रानी की प्रतिमा, जो लोगों के लिए चमत्कार तो विज्ञान के लिए पहेली है।
शक्ति पीठ में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। नवरात्र में यहां अपार भीड़ होती है। 1981 से पहले कम ही लोग थे जो मंदिर के चमत्कार से वाकिफ थे। कहा जाता है ये राजा महाराजाओं की कुल देवी है। मंदिर में कोई स्थायी पुजारी नहीं है। भक्त अपनी आस्था से खुद चढ़ावा करते हैं और पूजा करते हैं। माता रानी के दरबार में भक्तों की एक विशेष दूरी होती है। माता के भक्तों को सेवक कहा जाता है। सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था के साथ देवी के धाम में पधारते हैं, श्रद्धा से चढ़ावा और पूजा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है देवी जब प्रसन्न होती है तो अग्नि स्नान से अपनी मौजूदगी का साक्षात भक्तों को दर्शन करवाती है। जो इस स्नान को देख लेता है, माना जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोगों की मान्यता ये भी है देवी ज्वाला स्वरूप इस धाम में लकवे जैसी बीमारी का इलाज होता है। कहते हैं अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं की मंदिर पर आस्था अटूट है। वो इस घटना को चमत्कार कहते हैं। ये चमत्कार ही इडाणा धाम में भक्ति का प्रमाण है और विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली। देवी सती की आंख से बना शक्तिपीठ। नैना देवी के चमत्कारों का धाम नैनीताल। चमत्कारी कुंड से गायब हो जाती है भभूति। हिमाचल से उत्तराखंड तक नैना देवी की पहेली। का मंदिर देवी शक्ति के पीठों में से एक है। कहा जाता है देवी सती की एक आंख उत्तराखंड के नैनीताल में गिरी थी तो दूसरी आंख हिमाचल के बिलासपुर में। तभी नैना देवी के दोनों शक्ति पीठ आस्था और चमत्कार के धाम बन गए। उत्तराखंड के मंदिर में नैना देवी माँ के दो नेत्र बने हुए हैं। नैना देवी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है और इसी कारण उन्हें नंदा देवी भी कहा जाता है। मंदिर के किनारे बने सरोवर को लेकर एक अनोखी पहेली है। ये मान्यता सप्त ऋषियों से जुड़ी हुई बताई जाती है। त्रि सप्तश्री नाम भी दिया जाता है इसको, क्योंकि तीन बाबाओं ने यहाँ तपस्या की और उनकी तपस्या के फल से ये सरोवर उत्पन्न हुआ है। ये माँ नैना देवी का मंदिर है, इसे अंदर से शूट करने की इजाजत नहीं है। भक्त यहाँ आते हैं, प्रसाद लेते हैं और तीन बार परिक्रमा करने के बाद अगर प्रसाद लिया जाए और माँ से कुछ मांगा जाए तो माना जाता है उसकी मनोरथ जरूर पूरी होती है। उत्तराखंड में जहाँ नैना देवी के धाम का सरोवर एक पहेली है तो वहीं हिमाचल के बिलासपुर में नैना देवी के धाम में बना हवन कुंड लोगों के लिए किसी चमत्कारी कुंड से कम नहीं। कहा जाता है हिमाचल में नैना देवी के धाम में हवन कुंड की राख कभी नहीं निकाली जाती। ये राख कहाँ जाती है आज तक किसी को पता नहीं चला। हवन कुंड को लेकर ये भी कहा जाता है कि घर पर 100 हवन करने से ज्यादा मान्यता यहाँ एक हवन करने की है। मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, ज्योत जला के सर को झुका के। नैना देवी का ये मंदिर श्री आनंदपुर साहिब से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर का एक चमत्कार और भी है। कहा ये भी जाता है कि इस क्षेत्र में ज्योतियों के दर्शन होते हैं। ज्योतियों का दिखाई देना माँ ज्वाला और नैना देवी के मिलने का संकेत होता है। बताया जाता है कि माँ नैना देवी से ज्वाला देवी यहाँ मिलने आती है तो कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त माता की ज्योति प्रकट होती है मौसम डरावना हो जाता है। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को ज्योति के दर्शन होते हैं तो वहीं श्रद्धालु भी मिन्नत लेकर दूर दूर से माता के धाम में पधारते हैं। शक्तिपीठ मां नैना देवी के भव्य आरती हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर चांदी का फाटक है। इसके साथ ही साथ मां अपने यहां पर नयन रूप में
विराजमान है पिंडी रूप में। यहाँ पर भव्य दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और देखिए कि नवरात्र में जो भक्तगण हैं वो मीलों पैदल चढ़ के यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ के पिंडी रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगहों पर माँ नैना देवी के चमत्कारों को लेकर ये कहा जाता है कि आंखों से जुड़े रोग माँ नैना देवी के धाम में ठीक हो जाते हैं। यही आस्था श्रद्धालुओं को नैना देवी के धाम की ओर खींचती है। दोनों ही जगहों की पहेली श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार है तो विज्ञान के लिए एक रहस्य भी। देवी कात्यायनी के धाम में आने वाले भक्त इस स्वरूप को कसार देवी के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ माँ की शक्ति है। मंदिर को लेकर हैरानी की बात यह है कि भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। माँ के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यहाँ आने वाले भक्तों का भी मानना है कि अद्भुत शक्ति का संचार होता है और कसार देवी मंदिर उन्हें अपनी ओर खींचता है। ज्ञान के लिए पहेली बनी हुई है। इस स्थान के बारे में नासा के वैज्ञानिक लंबे वक्त से शोध कर रहे हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र हिमालयी दिव्य चेतना से भरा हुआ है। दावा है कि यहाँ ऐसी दिव्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ आस्था और विश्वास से जुड़ी कथाएं हैं तो विज्ञान के लिए शोध का विषय भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ी पर बने इस मंदिर में लोग सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद थकावट महसूस नहीं करते। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति फैली है। ये पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट माना जाता है, जिसका मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हैं। कुछ लोग इसे रेडियो एक्टिव फील्ड भी कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इतिहासकार और पर्यावरण के जानकार दावा करते हैं कि क्षेत्र में विशेष चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं, जिसके लिए नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझा नहीं पाए। कसार देवी मंदिर अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां मानसिक शांति भी महसूस होती है। कुछ विदेशी पर्यटक इस स्थान की खूबसूरती देखकर यहीं बस चुके हैं। इटली के निवासी जॉन पिछले 13 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस क्षेत्र में वाइब्रेशन महसूस होती है। नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं। हालांकि आज तक इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है। कसार देवी क्षेत्र में 1960 और 70 के दशक में हिप्पियों का भी जबरदस्त रुझान देखा गया। उस दौर में हिप्पी आंदोलन काफी प्रसिद्ध हुआ था।